a very good evening everyone my name is pavan sharma and friends i welcome you all to my channel voodoo stock trainings and guys in this video we're going to talk about the stocks for 6th of march that will be a friday so let's talk about them and before we move on a small disclaimer for you all and guys uh,

एंड बैंक निफ्टी आल्सो 400 पॉइंट्स के बाद में वापस 161 पॉइंट पे आके क्लोज़ किया क्यों एक ही कहानी अब तो सबके पास में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अब कहानी वही है कि इंडिया में भी रिपोर्ट होने शुरू हो गए हैं टोटल केसेस थर्टी हो गए हैं और बढ़ते जा रहे हैं आज साउथ कोरिया ने फिर से नए नंबर्स निकाले हैं ईरान ने नए नंबर्स निकाले हैं तो वही चल रहा है और यूएस मार्केट एक दिन ऊपर जा रहा है एक दिन नीचे आ रहा है आज फिर दोबारा प्री ओपन मार्केट में साढ़े तीन सौ या साढ़े चार सौ पॉइंट गिर गया है तो देखिए कल ग्लोबल मार्केट क्या करती है एंड वे टू स्टैंड अबाउट इट चलिए पहले देखते हैं सेक्टर्स हमारा क्या हालत थी सेक्टर्स में आपको मैं लेके चलता हूँ मैंने ओपन नहीं किया है मैं आपको दूसरा चेक चलिए तब तक मैं एक बार पॉज करके ओपन करता हूँ आपके लिए राइट लेट सी आज सेक्टर देखिए पी एस यू बैंक सबसे टॉप में रहे उसके बाद में हमारा एफ काफी राइज किया फार्मा थर्ड पोजिशन पर था फार्मा दो तीन दिन से ठीक से परफॉर्म कर रहा है देखिए क्या होता है जब भी एक एपिडेमिक चलती है तो बहुत सारे हमारे यहाँ क्या होता है ना कि परसेंट डॉक्टर आपको चाहे वो काम करे ना करें लेकिन ये बात मैं आपको बता देता हूँ दवाइयां बहुत बिकेंगी जिसकी वजह से फार्मा सेक्टर थोड़ा सा आप में रहेगा दुनिया मरे जिए लेकिन फार्मा सेक्टर इस टाइम पे राइज करेगा एंड मोस्ट ऑफ द आर वेस्ट बट जस्ट ऑन होप जिसका कोई बेस नहीं होता तो इसलिए फार्मा सेक्टर को दो चार दिन तक और रखेंगे हम उसके बाद में थोड़ा सा डाउन होगा क्योंकि सब अब अपना एक बार मेडिसिन खरीद चुके होंगे तो इस राइज में कि कि क्या है उनका सेल्स बढ़ेगा इस मंथ में तो दैट्स वाई दमास पीएस मैंने कहा था कि अगला नंबर पीएसयू बैंक का है मेटल के बाद में तो देखिए आज पीएस ने वन पॉइंट थ्री नाइन परसेंट आप राइज किया है ठीक है अब आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि जब हम सेक्टर्स की बात करते हैं तो कैसे ये मूवमेंट शुरू होती है सेक्टर्स की तो ठीक है अब देखिए फार्मा टॉप में है जैसे मैंने आपको बताया कि फार्मा थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग में आएगा दो चार दिन और एक सप्ताह दो तीन दिन और चले उसके बाद आई फिर मेटल देखिए मेटल अब थोड़े दिन पहले डाउन था पी बैंक सब थोड़ा सा सेकेंड नंबर पर आ गया कल तक डाउन था सो दैट्स हाउ इट वर्कस तो कल के लिए ट्रेड अगर आप सोचना है तो आपको अब फार्मा में फर्दर मत सोचिएगा

मार्केट कंडीशन क्या होती है यह बात आपको समझने की कभी कभी आप कितना भी कोशिश कीजिए कभी कभी आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे ही होंगे तो यह चीज का आपको ध्यान रखना है ओके okay. तो ऐसी कंडीशन रेंज बाउंड मार्केट मार्केट में या तो अगर कहीं नहीं जा रहा तो होल्ड कीजिए नहीं तो थोड़े से लॉस पे निकल जाइए क्योंकि वो कभी भी किसी भी डायरेक्शन में चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा ठीक है इंडस बैंक हिट बोथ द टारगेट्स बाय और दस एंड आई ने तो ऊपर भी काफी ऊपर गया नीचे भी काफी नीचे आया देखिए थर्टी पॉइंट की रेंज बनाई आज ऑलमोस्ट थ्री हंड्रेड से लेकर टू सेवेंटी तक तो सोचिए दोनों तरफ कितना बड़ा मोवमेंट होगा एक बार नीचे गिरा था बड़ा प्रॉफिट मिला फिर ऊपर गया मैंने फिर एक बार सेल कर दिया उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट मुझे देखने को मिला तो ये आपको ध्यान रखना है कि कब और कैसे आपको ट्रेड करने है ओके चलिए बात करते हैं आज के पहले स्टॉक के बारे में पहला स्टॉक है मेरा गोदरेज सीपी गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट तीन दिन से चार दिन से लगातार गोदरेज बढ़ रहा है जब भी गोदरेज चलता है तो याद रखिएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन डेज तक चलता है तो जब भी एफ में मूवमेंट आती है तो लगभग एक वीक के लिए आती है तो कल भी हमें लगता है कि एक बार ऊपर जाएगा और अगर इसने ये वाला जो लेवल है आपका अभी सिक्स फिफ्टी फाइव के आसपास अगर ब्रेक किया तो ये अपने फिफ्टी मूविंग एवरेज के आसपास जाके ही होल्ड करेगा उससे पहले नहीं रुकेगा तो इस चीज का ध्यान रखिएगा अदरवाइज जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोरोना वायरस एफ क्यों राइज कर रहा है आपको पता है स्टॉक पाइलिंग शुरू हो गया है लोगों ने जाके कल हम बिग बाजार गए थे तो मैंने देखा था बेतहाशा शॉपिंग हो रही है जितना भी ड्राई प्रोडक्ट्स है उसका भी प्राइस बढ़ेगा क्योंकि जब उसका जो धीरे धीरे स्टॉक पाइलिंग होगा तो प्राइस बढ़ेंगे वो कहते ना डिमांड सप्लाई तो डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई कम होगी तो फिर अंधाधुंध प्राइस पे बेचा जाएगा अभी जो पैकेट प्रोडक्ट्स है उनको फाड़ दिया जाएगा उन पैकेट प्रोडक्ट्स को फिर अपने प्राइस पे बेचा जाएगा क्योंकि पैकेट के ऊपर पचास रुपये लिखा होगा

टारगेट विल बी 661 और 667 का सेकंड टारगेट रहेगा लेकिन अगर उसने ब्रेक डाउन किया 645 को तो सेल करेंगे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 651 कीपिंग अ फर्स्ट टारगेट एट 639 और 633 का सेकंड टारगेट रहेगा और गाइस अगर आपको मेरे से लाइव सपोर्ट चाहिए लाइव मार्केट में तो आपको मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है और अदरवाइज आप वोडू ट्रेडिंग सर्च करेंगे वहां भी आपको मुझे मिल जाएगा अगला है मेरा बाय बायोकॉन मैंने दोनों सेक्शन को लिया है आज एफ को भी लिया फार्मा को भी लिया है और मैंने साथ में ही उसको भी लिया है फाइनेंस को भी लिया है तो सेक्टर्स को क्लब करके चलेंगे तो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स अपने आप बनते चले जाएंगे आपको यह पता होना चाहिए कब क्या लेना है कब क्या नहीं लेना कल हमने टाटा स्टील लिया था क्योंकि हमें पता था कि मेटल सेक्टर राइज करेगा और राइज कर चुका है तो फॉल करेगा सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड व्हेन पिकिंग अप दिस स्टॉक तो बायोकॉन को हमने इसी वजह से लिया जैसे मैंने आपको डिस्कस किया है तो बायोकॉन को हम बाय करेंगे थ्री फिफ्टीन के ऊपर थ्री ट्वेल्व का स्टॉप लॉस रहेगा थ्री एटीन और थ्री ट्वेंटी वन का फर्स्ट और सेकेंड टारगेट निकल के आएगा लेकिन अगर बायोकॉन ब्रेक करता है थ्री जीरो फोर का गाइज अपने ग्रीड को संभाल के रखिए बड़े बड़े प्रॉफिट उठाइए छोटे छोटे लॉस निकालिए हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे हम लोग ज्यादा ग्रीड नहीं करते हम तीन चार पाँच हजार रुपए निकल जाते हैं जबकि कैपिटल बहुत ज्यादा है लेकिन अगर मैं पूरे मंथ का देखता हूं तो बहुत अच्छा पैसा निकल के आता है लेकिन अगर मैं एक ही दिन में इतना कमाना सोचूंगा तो बहुत ज्यादा मुझे रिस्क लेना पड़ेगा और उस रिस्क के चक्कर में मुझे जो है अपना रिस्क कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी तो ये बात हमेशा याद रखिएगा मैं रिपीट करता हूं यह सब चीजें आपको बोरिंग लगती होगी लेकिन यह आपके लिए हर रोज याद दिलाना बहुत जरूरी है प्लीज कीप दैट इन माइंड एंड गाइज़ अगर आपने मुझे ज्वाइन नहीं किया मेरे टेलीग्राम चैनल पर या मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे यूट्यूब चैनल को तो जाके उसको सब्सक्राइब कीजिए ये वीडियोज़ आप लोगों के लिए हैं तो आपको जितने भी नोटिफिकेशन है मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पे तो वो मिलते रहेंगे आपको जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा इमीडिएट नोटिफिकेशन आएगा कोई भी नई चीज़ होगी आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा एंड बिकॉज ऑफ दैट यू शुड गो फॉर इट बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं उसमें पूछा जाता है कि क्या इंट्राडे में पैसा बनाया जा सकता है यस yes, बनाया जा सकता है इससे पहले वाले स्लाइड को ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा है उसके ऊपर और फिर नेक्स्ट वाले में पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा कि पैसा बनाया जा सकता है और बनाया जाता है बस आपको ध्यान ये रखना है नॉर्मल डेज पे आपने छोटे छोटे प्रॉफिट लेके निकल जाना है लेकिन जिस दिन बड़ा मिल रहा है तो बड़ा निकालिए अगले दिन फिर उतरइए जब आपने किसी दिन बड़ा प्रॉफिट किया है जब आपने किसी दिन बड़ा प्रॉफिट किया है तो याद रखिएगा अगले दिन उस प्रॉफिट ज्यादा फैलिए मत ज्यादा 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 अपने आप को यह मत सोचिए कि यो जीनियस नाउ एवरीथिंग इज गोइंग इन योर फेवर अगले दिन और और प्रिकॉशन बैकफुट पे चले जाना है कल कमाया है वो आज आपके हाथ से नहीं जाए ये सबसे बड़ा ध्यान रखना है। करते क्या हैं आज बड़ा प्रॉफिट आया फैल जाते हैं बुरी तरह है कि आज तो बस पता नहीं कितना प्रॉफिट निकालेंगे कल इतना मिला था तो आज भी निकालेंगे प्लीज डोंट डू दैट क्योंकि यही वो गलतियां हैं जो एक इमेच्योर ट्रेडर हर रोज करता है एक बार बड़ा कमाया तो अगले दिन उससे डबल कमाना है ये नहीं कि उसको रखें और उसको होल्ड करके रखें प्लीज ऑलवेज कीप दैट इन माइंड अगला मेरा पिक है चोला फाइनेंस फाइनेंस एक्सेस उठाया मैंने ठीक है चोला फाइनेंस को हम बाय करेंगे 292 के अबाउ स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 290 का टारगेट विल बी 294 एंड 296 नाइन्टी सिक्स का सेकेंड टारगेट रहेगा चोला फाइनेंस को हम सेल करेंगे अगर वो ब्रेक करता है 287 को कीपिंग आवर स्टॉप लॉस ऑफ 289 फर्स्ट टारगेट टू एटी फाइव एंड सेकेंड टारगेट बिना समझे तो बड़ी बेकूफी आप करते हैं जो कभी भी उसका रिकवरी नहीं हो पाएगा आप पैसा देके मार्केट को गाली देके चले जाएंगे बट यूल टू अर्न फ्रॉम दार्केट अगर आपको समझना है तो पहले मार्केट को समझिए देखिए कैसे मार्केट ट्रेड करती है क्यों आपको ये चोला फाइनेंस हुआ या बायोकोन या गोदरेज सीपी आज लेना है अगर नहीं समझेंगे तो कभी भी पैसा नहीं बना पाएंगे अगर आप सीखना चाहते हैं समझना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रोग्राम्स में अगर ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोग्राम दोनों सेम है आप हमें ज्वाइन करते हैं ऑनलाइन जिसमें चार ट्रेडिंग स्टॉक सिलेक्शन का मेजर पार्ट होता है सो यू कैन कॉल और व्हाट्सएप परसों नाइन सेवन डबल वन फोर डबल वन डबल जीरो सेवन ज़्यादा जानकारी के लिए इट विल बी ऑल अबाउट इंट्राडे स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग्स और अगर चाहते हैं आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना आप चाहते हैं पी कॉल और निफ्टी बैंक निफ्टी को ट्रेड करना या फिर ऑप्शंस में एंट्री करना तो उसके लिए आपको ऑप्शन स्ट्रैटजीज़ को समझना पड़ेगा उनको ये समझना पड़ेगा कब और क्यों आपको ट्रेड करना चाहिए कैसे करना चाहिए उसके लिए आप हमें वापस कॉल या व्हाट्सएप करके यू कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस प्रोग्राम है उस सेपरेट प्रोग्राम है हमारा अगला पिक है मेरा आई सी आई का लगातार गिरता जा रहा है क्यों क्योंकि अब इसके पास ज़्यादा बचा नहीं है क्योंकि पहले क्या होता था कि आपने सेटर एटीसी में उठा के ये सब चीजें आप यूज कर लेते थे या अपने कुछ पॉलिसीज दिखा के टैक्स सेविंग कर लेते थे लेकिन अब ऐसा हो नहीं रहा अप्रैल आने वाला है मार्च थर्टी जाने वाला है तो लेकिन देखिए कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा हाँ जो पुराना टैक्स लैब चूज करेंगे उनको जरूर मिलेगा वो जरूर अभी भी कर रहे हैं तो यू कैन यूज दैट वन तो आईसीआईसी प्रूव लाइब को 436 के ऊपर हम बाय करेंगे

उसके बाद है दिल्ली में मार्च ट्वेंटी फर्स्ट ऑन ट्वेंटी सेकेंड को ओके okay, शायद इसमें एक गड़बड़ हो गया कॉपी कि पेस्ट किया था ना तो इसका जो है आई लव डेट इट बट दिस विल बी इन नोएडा सेक्टर सिक्सटीन सो इफ इन केस यू आर लुकिंग फॉर मोर इन्फॉर्मेशन देन यू कैन ड्रॉप दिस ड्रॉप अ मैसेज ऑन दिस नंबर ऑफ कॉल टू नो मोर अबाउट दिस वन और एक्चुअली बात करते हैं निफ्टी को निफ्टी के बारे में तो उसके लिए निफ्टी का प्रोग्राम खोलते हैं ये रहा हमारा निफ्टी ठीक है तो देखिए निफ्टी को अगर मैं आपको वही जो हमारा चार्ट चल रहा है उसी को देख के चलते हैं मैंने आपसे बार बार कहा है कि कोई भी एक सेटअप अगर आप स्टार्ट करते हैं तो उस एक सेटअप को फॉलो कीजिए मेरा जो सेटअप है वो है कंप्लीटली प्योरली बेस्ड ऑन सपोर्ट एंड रसिस्टेंस उसमें मेरे पास जितने भी मेथड्स होते हैं जितने भी मेरे पास टूल्स होते हैं मैं उनको यूज़ करता हूं आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमारे सपोर्ट रिसिस्टेंस कहाँ निकल के आ रहे हैं और मेरा पूरा का पूरा फोकस उन्हीं के ऊपर रहता है तो ये मेरा कंप्लीट सेटअप है इसमें मैं अब आपको तीन से चार दिन से दिखा रहा हूं तो मेरा ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट चल रहा है तो देखिए इसमें कहीं मूवमेंट नहीं हो रही तो मैं कैसे मानूं कि ये जो ट्रेड है ये इसके ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग ना हो मैं कैसे मान लेता हूं कि मुझे निफ्टी को बाय करना चाहिए फॉर टारगेट ऑफ ट्वेल्व और सेवन इलेवन कभी भी नहीं ये बात आपको समझना पड़ेगा अंधाधुंध ट्रेडिंग में कामयाबी कभी नहीं मिलेगी आप लॉस करेंगे और लंबा लॉस कर जाएंगे इसके पास पहला जो टारगेट है याद रखिएगा 350 के आसपास 300 से ऊपर 350 के बीच में क्लोजिंग चाहिए अगर ये इस जो लाइन देख रहे हैं आप ये थ्री जीरो का लाइन जो देख रहे हैं इस लाइन के ऊपर मैं इसको और ऊपर करना चाहूंगा यहां करना चाहूंगा अब देखिए 350 का है अब ये जो लाइन है वो 350 के ऊपर अगर क्लोज करती है आप देखिए बार बार आके यहीं पर रुक जा रही है यहां देखिए कल का जो हाई देखिए आज का हाई देखिए मुझे क्लोजिंग चाहिए 350 के ऊपर अगर मेरी क्लोजिंग बन जाती है थ्री के ऊपर तभी मुझे एक कॉन्फिडेंस आएगा कि ये निफ्टी इज नाउ रेडी फॉर अप मूव लेकिन इसको टच करके बार बार नीचे आ जाना कोई सॉल्यूशन नहीं है आपका आपको वेट करना पड़ेगा राइट टाइम के लिए राइट एंट्री के लिए तो तब तक इंट्राडे चलने दीजिए लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेड सोच रहे हैं या कुछ थोड़ा बहुत बाइंग के लिए सोच रहे हैं निफ्टी को फॉर में भी नेक्स्ट एक्सपायरी और दिस एक्सपायरी तो आपको उसको 350 को ब्रेक करके क्लोज करके देखना है उसके बाद आपने एक कॉल या बाय करना है।, okay? को देखें। देखें, चल रही है अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें आपको कुछ नहीं मिल रहा ओके okay? तो ये सब चीजों को आपको ध्यान रखना है कि कोई भी मेथड आप यूज करते हैं उस मेथड को इतना रिफाइन कर लीजिए कि उस मेथड से आपको गलती के चांसेस कम से कम मिले एक सेटअप को फॉलो कीजिए वही सेटअप आपको हर रोज इंफॉर्मेशन देगा और वही सेटअप आपको हर रोज पैसा भी देगा ओके okay? तो इसमें भी मुझे चाहिए ट्वेंटी नाइन थाउजेंड के ऊपर की क्लोजिंग एक दिन हुआ था अगले दिन फिर गिर गया अब मुझे ट्वेंटी नाइन थाउजेंड के ऊपर एक या दो दिन क्लोज करेगा तो एक अच्छा लगेगा मोवमेंट अच्छी बनेगी सो होल्ड फॉर इट ओके तो चलिए इनके लेवल्स भी जान लेते हैं तब तक तो निफ्टी को हम बाय करेंगे कल 11,300 के लिए मैंने कहा ना जब तक इंट्रा डे ही चलाते हैं लेकिन अगर क्लोजिंग 350, तो मैं नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए बाय कर लीजिएगा स्टॉप लॉस में आप का का टारगेट टारगेट लेकिन अगर निफ्टी ब्रेक करता है

and don't forget to subscribe before leaving telegram ka jo link hai description box may hai website pe available hai aur kuch links aur available hai website pe or, uh, description box may about the account openings so that's all about it guys i'll see you into my next video keep writing in the comment box all your valuable uh, questions and comments i'll be happy to answer all of them take care everyone have a nice day